अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दिन हम जो है ना यूट्यूब की तरफ से जो फॉर्म आया है टैक्स का वो फिल करना सीखेंगे कि उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले ऐड टैक्स इन्फो पे हम जाएंगी। ठीक है जी। गूगल एडसन का अकाउंट ओपन करेंगे। साइन इन होने के बाद गूगल एडसन का अकाउंट ओपन करने के बाद हम ऐड टैक्स इन्फो पर जाएंगे। ठीक है जी। ये आपके सामने स्क्रीन पर जैसे हो रहे हैं। ठीक है जी। इंडिविजुअल जो है ना इंडिविजुअल पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम जो है ना बिजनेस नहीं कर रहे, फिर पर्सनली कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद दो ऑप्शन है उस पर, नो करें कि हम अमेरिकन सिटीज़न नहीं है, जो अमेरिकन सिटीज़न है वो यस करेंगे। ठीक है। इससे इसके नीचे जो है फर्स्ट है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी। कंट्री रीजन में हम पाकिस्तान लिखेंगे। अगर आपका ताल्लुक किसी और मुल्क से तो आप अपने मुल्क का नाम लिखिएगा। पाकिस्तान लिख दिया। ये फॉरेन यहाँ जो ना अपने नेशनल आईडी कार्ड नंबर लिखना है, अपने अपने नेशनल आईडी कार्ड नंबर का यहाँ लिखना है, एंट्री डालनी है। आपका ताल्लुक जिस भी मुल्क से है अपने नेशनल आईडी कार्ड जो है उसका नंबर यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है। ये मैं अपना नेशनल आई डी कार्ड नंबर मैंने इंटर कर दिया। ठीक है जी। ये आगे जो ना अब एड्रेस हम देंगे। ठीक है। एड्रेस क्योंकि पहले ही हमारे उनके पास है। ठीक है। एड्रेस के खाने में जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा ओल्ड एड्रेस जो स्टोर है वो आ जाता है उसके नीचे। यस कर दिए इस पर। ठीक है। फिर आगे जितने भी आएंगे इसको टिक करके तो नेक्स्ट करते जाना है। ठीक है। आगे फिर जो है वो कंट्री मेंशन करनी पड़ेगी, अपने अपने कंट्री का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये मैंने पाकिस्तान लिख दिया। इसके बॉक्स पे क्लिक करके तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। ये जो रेड आया है, ठीक है, ये इसको फिल नहीं किया, इसको फिल करना है। एरो पे क्लिक करके नीचे जो टेक्स्ट है इसको स्क्रीन पे लाना है सामने। ठीक है। ये 30% डिफॉल्ट रेट जो है वो टेक्स्ट का। ठीक है। इस तरह नीचे भी इस तरह करना है। ठीक है। एक और नीचे आएगा उसको वैसे करके फिर नेक्स्ट करेंगे। ठीक है जी। इसको अब नेक्स्ट करके फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है जी। एक नीचे आया जिसको जो अभी तक फिल नहीं हुई इसको ये। ठीक है जी। आर्टिकल 3 पैराग्राफ। ये भी होगा 30% डिफॉल्ट रेट। ठीक है। अब ये पेज कंप्लीट हो गया।
उसको नेक्स्ट करेंगे तो अगले पेज पे हम चले जाएंगे। ठीक है जी, ये ऑलमोस्ट हमारा जो ये फॉर्म तकरीबन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहाँ जो है ना वो कंफर्मेशन मांग रहा है, इस खाने पे टिक करके इसको हम येस करेंगे। ठीक है, ये बैग पे जो कुछ हम फिल कर गए ये सारा जो है ना वो उसकी लिस्ट यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इसको टिक करके नेक्स्ट करेंगे तो ये इस तरह जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, ये पूरी लिस्ट आ गई उसकी। अच्छा, यहाँ जो है ना दो चीज़ें करनी है, अगर आप फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं यहाँ एक दफ़ा नाम लिखते हैं अपना कंप्लीट, विल एडसन में जो नाम हमारा लिखा हुआ है वही नाम लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ अपना नाम लिख, आपने अपना नाम लिखना है। डियर यूज़र आज जिस जिस दोस्त का जो भी नाम वहाँ लिखा है वही नाम होती है। ठीक है जी, अच्छा जी, फॉर्म जो फर्स्ट टाइम दे रहे वो नी ऊपर वाले को, जो सेकेंड दे रहे वो नीचे। जो न्यू यूज़र है वो ऊपर वाले खाने पे करेंगे, जो ओल्ड है वो नीचे वाले पे करेंगे, सबसे नीचे जो है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो। ठीक है जी, न्यू यूज़र ऊपर वाले पे और जो ओल्ड है वो नीचे वाले पे करेंगे। ठीक है, हम क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए हमने ऊपर वाले पे कर रहे हैं, सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद ये कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो आ गया, अप्रूव्ड आ गया हमारा। ठीक है, इसका सारा हमारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें ईमेल आएगी गूगल एडसन की तरफ से, गूगल की तरफ से हमें ईमेल आएगी, अपना ईमेल अकाउंट ओपन करेंगे, इनबॉक्स में जाके उसको अकाउंट करेंगे और वहाँ से जाके उसको कन्फर्म करेंगे। ठीक है जी, कन्फर्म करने के बाद ठीक है फिर वो हमारा ये प्रोसीजर जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर, उम्मीद है कि ये तमाम दोस्तों को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तमाम दोस्तों को गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।